मुझे काफ़ी समय से एक यहाँ पे गांठ थी जो मैंने यथार्थ हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ पर मुझे कैंसर भी बता दिया गया था। मेरी ये पैराटिड ग्लैंड थी जिसमें ट्यूमर था। मैं कई जगह घूमा लेकिन मुझे कुछ कोई परफेक्ट जवाब नहीं मिला कि क्या है क्या नहीं है। फिर मैं अपने किसी जानकार के थ्रू डॉक्टर संगीत अग्रवाल के पास आया। उन्होंने मुझे दिलासा दिलाई, ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, बल्कि इसमें चांसेस थे कि मेरी फेस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कम हो सकता है लेफ्ट साइड या राइट साइड ज़्यादा, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मेरा जो ऑपरेशन है, सर्जरी है, बिल्कुल परफेक्ट हुई, वो डॉक्टर संगीत अग्रवाल की वजह से। और यहाँ पर अभी तक कोई मुझे निशान भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसलिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो पेशेंट हैं, ये मेरे पास लेफ्ट साइड की पैरोटिड स्वेलिंग के साथ आए थे, जो पैरोटिड ग्लैंड में इनके एक ट्यूमर था, जिसकी जब हमने जांच कराई तो उसमें म्यूकोएपिडर्मॉइड कैंसर था, जो कि एक सलाइवरी ग्लैंड का कैंसर होता है। उसके बाद इन्होंने कई जगह उसको ऑपरेट कराने के लिए सलाह ली, सभी ने इनको फेशियल नर्व का रिस्क बताया, क्योंकि ये एक पैरोटिड जो सर्जरी है इसमें फेशियल नर्व काफ़ी रिस्क पर रहती है। लेकिन अल्टीमेटली फिर हमने इनकी सर्जरी करी और बड़ी सक्सेसफुल हुई, सारा ट्यूमर विद सम मार्जिन्स हमने उसको रिमूव किया और अब ये लगभग 1 साल हो चुका है और ये बिल्कुल ठीक है, इनको कोई रेडिएशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और प्रॉपरली फॉलोअप पे रहते हैं। एंड इनका जो फेस है वो बिल्कुल ठीक है, फेशियल नर्व में कोई इनके वीकनेस नहीं थी। तो मैं यही कहूँगा कि जो पैरोटिड सर्जरी है वो किसी अच्छे स्पेशलिस्ट हेड एंड नेक सर्जन से ही करानी चाहिए, क्योंकि इसमें चेहरे की जो नस होती है उसको काफ़ी रिस्क पर रहती है और उसके किसी तरीके से कटने से या वीकनेस आने से चेहरे में टेढ़ापन आ सकता है। तो पैरोटिड जो ट्यूमर होता है, अगर ऐसा किसी के होता है तो किसी अच्छे हेड एंड नेक सर्जन से ही मिले और उसकी सर्जरी कराएं।